हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम मीडिया कंपनी का डिशवॉशर जो है उसे अनबॉक्स करने वाले हैं। तो ये 13 प्लेस सेटिंग वाला एक डिशवॉशर है। तो इसका डायमेंशन जो है लगभग एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की तरह ही होता है। तो आपको पहले इसका आउटर बॉक्स को दिखा देते हैं। तो बॉक्स के फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पे साइड पे डिटेल दिया हुआ है। तो इसका नाम है टोरिनो WQP12520 1F, इसका मॉडल नंबर है और ये मीडिया कंपनी का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ साथ जो जो आता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, रेटेड पावर, रेटेड करंट और यहाँ पे इसका वेट दिया हुआ है। लगभग 42 केजीज के आसपास इसका वेट है और इसका डायमेंशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 35,990 दिया हुआ है, लेकिन फ्लिपकार्ट में आपको 23,000 के आसपास मिल जाएगा। और कभी कभार ऑफर चलता रहता है, जिस कार्ड के ऊपर ऑफर है वो कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल रहा तो और भी कुछ लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपोर्टेड और मैन्युफैक्चर डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है और ये इसका बैक साइड का लुक कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे भी कंपनी का नाम और डिशवॉशर डिटेल लिखा हुआ है और इस तरफ देखेंगे इस तरफ भी कंपनी का ब्रांड दिया हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए बॉक्स को आपको दिखा दिया, अभी ये प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। लेकिन अनबॉक्स मैं नहीं करूंगा, इसके साथ ब्रांड इंस्टॉलेशन प्रोवाइडेड है तो कंपनी का जो टेक्नीशियन है उन्हीं से हम इसे अनबॉक्स करवाएंगे और इंस्टॉलेशन भी करवाएंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और इंस्टॉलेशन। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद हमारे डिशवॉशर का फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का है। ऊपर की तरफ यहाँ पे है इसका कंट्रोल पैनल, मिल जाता है आपको 6 बटन और 2 डिस्प्ले और इसका ग्रैब हैंडल। पीछे का लुक इसका बिल्कुल ही सिंपल है, एक इनलेट का पाइप, एक आउटलेट का पाइप और एक पावर का केबल। और इसका आगे का डोर ओपन करने के बाद हमें देखने को मिलता है बहुत सारा पैडिंग जो इसके प्रोटेक्शन के लिए है। और एक मिल जाता है छोटा सा फनल जो सॉल्ट को डालने के लिए काम आता है। और यहाँ पे एक पैकेट दिया हुआ है जिसमें एक यूज़र मैनुअल और एक फिनिश की कंपनी की तरफ से आने वाला एक पैकेट जिसमें एक छोटा सा रिनसेट और 2 टैबलेट हैं। तो पहले यहाँ पे डाला जा रहा है सॉल्ट को। सॉल्ट को डालने के लिए नीचे एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है, उसको खोलना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट को डालना पड़ता है। मैं यहाँ पे सभी चीज़ सॉल्ट, रिनसेट और जो डिटर्जेंट है यहाँ पे फॉर्चून कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सॉल्ट डालने के लिए पहले फनल को लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट को धीरे धीरे डाला जाता है। मशीन यहाँ पे पहली बार यूज़ हो रहा है तो सब कुछ ड्राई है, तो पहले यहाँ पे सॉल्ट को डाला जाएगा। उसके बाद इसे वेट करने के लिए एक मग पानी लगेगा, ये फर्स्ट टाइम लगेगा, दोबारा से मशीन अपने आप पानी ले लेगा। तो उसके बाद जब आप सॉल्ट डालेंगे तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बार करना पड़ता है। तो सॉल्ट डालने के बाद ये कंपार्टमेंट का जो कैप है उसे टाइटली लगा देना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे रिनसेट को डाला जा रहा है। तो रिनसेट जब तक ऊपर तक ना आए तब तक फिल करना पड़ता है। जब फिल हो जाए तो ऊपर का कैप आप धीरे धीरे टाइट कर दें। तो मेरे पास 500 ml का बोतल था, तो लगभग देख सकते हैं 150 ml पहली बार में लगा है। अब देखते हैं कितना दिन चलता है इससे। तो यहाँ पे मैंने आउटलेट का कनेक्शन दे दिया है और इनलेट का भी कनेक्शन दे दिया है। इनलेट पाइप जो है कंपनी ने ये वाला पाइप दिया है, ये वाला पाइप और मेरे बॉस का जो वॉशिंग मशीन है उसका पाइप सेम ही है। तो अभी बॉस का पाइप मैंने डायरेक्टली लगा दिया सिर्फ चेक करने के लिए। इंस्टॉलेशन गाय जो आया था वो अभी चला गया है, उनका जो बेसिक काम था वो सब दिखा दिया। कौन सा प्रोग्राम आप कब चलाएंगे यहाँ पे डिटेल सब मेंशन किया हुआ है। P1 P2 यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, कौन सा वाला प्रोग्राम कितने टेम्परेचर में पानी को गर्म करता है, कौन से वाले बर्तन के लिए होता है और कितना मिनट वो प्रोग्राम टाइम लेता है, डिटर्जेंट उसमें कितना लगेगा, रिनसेट लगेगा कि नहीं, ये सब डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 7 प्रोग्राम है, P1 P2 से लेके P3 P4, यहाँ पे P5 P6 और P7। P6 जो होता है वो सेल्फ क्लीनिंग होता है मशीन के लिए, मशीन बहुत दिन यूज़ करने के बाद, लगभग 1.5-2 महीने अगर यूज़ कर लें उसके बाद इसको एक प्री वॉश की ज़रूरत होता है ताकि मशीन खुद अपने आप को साफ रख सके। तो इसलिए ये प्रोग्राम चलाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम देख के और उस हिसाब से बर्तन देख के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसमें बर्तन लोड करते हैं और देखते हैं चला के कि ये कैसा आउटपुट देता है। बर्तन आ चुका है, ये देखने में लग रहा है साफ है लेकिन साफ है नहीं, सिर्फ एक बार पानी से वॉश किया हुआ है। तो चलिए इसको अभी एक एक करके डालेंगे और चलाएंगे इसमें। तो बर्तन ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत ही कम बर्तन है,
बड़ा वाला बर्तन ऐसे नीचे सेट कर दिया, छोटा वाला जितना भी कटलरी ग्लास एक कटोरे जितना भी था सब यहाँ पे सेट कर दिया। तो चलिए अभी एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं। इसको थोड़ा सा दबा के लगाना पड़ता है क्योंकि अंदर एक छोटा सा कपलर है जहाँ से जाके वो जेट का जो हैंडल होता है वो अटैच होता है, तो थोड़ा सा अंदर धकेल के लगाना पड़ता है ताकि वो जो सॉकेट है वो अटैच हो जाए ताकि स्प्रे अच्छी तरीके से हो पाए। अगर सॉकेट लूज रहेगा तो पानी यहाँ पर नहीं आएगा, जो स्प्रे आर्म है वो फालतू में घूमता रहेगा लेकिन कोई स्प्रे नहीं होगा। तो ये दोनों ही लगा दिया और इसके नीचे जो एक स्प्रे आर्म है दोनों को एक बार घुमा के देख लेना पड़ता है। जैसे ये वाला देखिए फ्रीली मूव कर रहा है और नीचे वाला जो है वो भी देखिए फ्रीली मूव कर रहा है, तो ये जरूर चेक कर लें क्योंकि कोई अगर बर्तन ज्यादा बड़ा हो और ये अटक जाए तो ये स्प्रे आर्म घूमेगा नहीं, तो दिक्कत होगा, क्लीन ठीक से नहीं होगा। तो रिंग से तो डाल दिया है जो आया था इंस्टॉल करने उसने, और सॉल्ट भी डाल दिया, तो अभी मैं डिटर्जेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 ग्राम ये फुल है, यहाँ तक फिल करना पड़ता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बर्तन का लोड होगा तभी 25 ग्राम लगता है, तो अगर कम बर्तन है ज़्यादा नहीं लगता है, इतने से ही काम हो जाएगा। ये मैं इतना सा ही दे रहा हूँ, इसमें ही पूरा काम हो जाएगा। तो इसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा बर्तन तो ज़्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम सेट करता हूँ P4 वाला, और ये 90 मिनट का प्रोग्राम होता है और 65 डिग्री सेल्सियस में वाटर को हीट करता है फॉर नॉर्मली सॉइल लोड दैट नीड क्विक वॉश। तो ज़्यादातर कुछ ज़्यादा स्टिकी बर्तन है नहीं तो मैं यहाँ पे क्विक वॉश चला देता हूँ 90 मिनट का। पावर देने के बाद P2 यहाँ पे आ रहा है तो मुझे P4 करना है प्रोग्राम वाला बटन को दबा के, मैंने P4 सेट कर लिया। ज़्यादा दबाएंगे तो यहाँ पे P7 तक चला जाएगा, उसके बाद दोबारा P1, उसके बाद ये P4 हो गया। P4 होने के बाद यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट का ये प्रोग्राम है, ये स्टार्ट हो गया है। और ये जो होता है वो चाइल्ड लॉक के लिए होता है, और यहाँ पे ये देखिए ये वाला बीच का जो है ये सॉल्ट के लिए है, अगर सॉल्ट लो हो जाए या ना रहे तो ये ब्लिंक करने लगेगा, और ये वाला जो है रिनसेट के लिए है, रिनसेट अगर खत्म हो जाए तो ये वाला ब्लिंक करने लगेगा, और ये टैप के लिए होता है, अगर टैप का पानी बंद है तो ये रेड लाइट दिखाएगा। तो अभी इसका वॉशिंग चालू है, 90 मिनट्स टाइम ये लिया था, अभी 42 मिनट्स और भी रिमेनिंग है, 41 मिनट्स रिमेनिंग है, लगभग बीच में ये आ गया है। और ऊपर यहाँ पे हाथ अगर रखूँ तो थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, आगे के साइड लेयर बहुत मोटा है, डबल लेयर है, फिर भी हल्का सा गर्म है, इस साइड भी हल्का सा गर्म है और इस साइड भी हल्का सा गर्म है, पीछे जो है उसमें अगर हाथ देंगे तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गर्म है, पीछे मतलब 3-4 सेकंड से ज़्यादा भाप नहीं रख पाओगे, इतना गर्म है। इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर वाला जो पानी है वो सच में ही बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और गर्म पानी से बर्तन को धोया जा रहा है। अभी 6 मिनट बाकी है कंप्लीट होने में, और लगभग जब 15 मिनट बाकी था कंप्लीट होने में तब से ये एकदम स्टॉप हो चुका है, लगता है कि इसके अंदर अभी ड्राइंग मोड चल रहा है, अभी ये ड्राई हो रहा है अंदर का सभी यूटेंसिल्स। तो अभी मेन चीज़ जो है इसका बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि इस प्राइस रेंज में कैसा ये बिल्ड क्वालिटी देगा, कैसा होगा। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूँ, यहाँ पे मेरा बॉस का वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये बॉस का है, बॉस कंपनी को तो हम जानते हैं उसके बिल्ड क्वालिटी से, उसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही हार्ड मटेरियल से बनता है और इसका फिट एंड फिनिश, टच एंड फील सब कुछ ही बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का होता है बॉस का सभी प्रोडक्ट्स। और इसके साथ मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो अगर मैं इसको 10 out of 10 दूं तो इसको भी मुझे लगभग 9.8 out of 10 देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका भी बिल्ड क्वालिटी भाई सब बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसके ऊपर और इसका ऊपर आप देख सकते हैं लगभग एक ही तरह का टेक्सचर से ये बना है और एक ही तरीके का मटेरियल से बना है, और इसका हार्डनेस और इसका हार्डनेस लगभग सेम ही है, तो इसका टच एंड फील, फिनिशिंग, फिट एंड फिनिश बहुत ही बढ़िया है, तो इस हिसाब से आप इसे कंसीडर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए 3 मिनट बाकी है, अभी इंतजार करते हैं और उसके बाद खोल के देखेंगे बर्तनों का क्या हाल हुआ है। तो फाइनली हमारा वॉशिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ आ चुका है, और यहाँ पे मैंने चाइल्ड लॉक लगा के रखा है, मेरे घर में छोटा बच्चा है, मेरा बेटा है, इन दोनों को दबा के ही रखने से चाइल्ड लॉक होता है और इन दोनों को दबा के रखने से चाइल्ड लॉक अनलॉक होता है। चलिए दोनों को एक साथ दबाते हैं और ये देखिए ये हट गया, अभी नॉर्मल मोड पे आ चुका है। तो चलिए इसे कर देते हैं ऑफ, अभी खोल के देखते हैं। तो ये देखिए अंदर से कितना भाप निकल रहा है, अरे बाप रे यहाँ तक टेम्परेचर आ रहा है, ये देखिए कितना गर्म है अंदर, बहुत ही ज्यादा गर्म है भाई साहब, यहाँ तक हीट आ रहा है, बर्तन अभी बहुत ही गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये देखिए
तो दिखने में तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है, ये सभी तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। वो वाला जो है वो एक जार है, उसके अंदर तक स्प्रे गया है कि नहीं उसे चेक करेंगे अभी। उससे पहले हम अपर रैक को देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। इसके अंदर जो चाय होता है, चाय का बहुत सारा पत्ता यहाँ पे लगा हुआ था, तो वो सब क्लीन हो चुका है। और इसमें बहुत ज़्यादा मैल मिट्टी लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब वो रस्ट टाइप का हो चुका था। इसे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा क्लीन कर दिया है, एकदम शाइन दे रहा है ये नए जैसा। तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये परफेक्टली वॉश हुआ है भाई। ग्लास वगैरह आप देख सकते हैं अंदर तो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। और ये देखिए एकदम शाइनी हो चुका है। तो वॉश बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है, परफेक्टली हुआ है। और जितना टाइम जाएगा अलग अलग टाइप का बर्तन दे दे के हम सीखेंगे, क्योंकि ये एक सीखने का चीज़ है। जैसे हम साइकिल और बाइक सीखते हैं तो ये एक दिन में ही नहीं होगा, धीरे 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 इसको बर्तन को कैसे लगाते हैं ये भी टाइम टू टाइम हमें सीखना पड़ेगा। और ये वाला जो ग्लास का कंटेनर था ये बहुत ही गंदा था, इसको एक बार देख लेते हैं कितना क्लीन हुआ है। इसके अंदर भाई साहब बहुत, ये तो जो दिख रहा है आपको ये वेपर है, वेपर की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका अंदर भाई बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब बहुत दिनों से ये यूज़ नहीं हुआ था तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गंदा था। और इसका जो स्प्रे आर्म है वो एकदम अंदर तक स्प्रे किया है और क्लीन किया है। ये जार और ये साबुन का रैक, ये दो देख के मैं बहुत ही सेटिस्फाई हुआ हूँ, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ हूँ। क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल था, हाथ से उठाने में बहुत देर घिसना पड़ता और इसे भी क्लीन करना मुश्किल था। एक एक टाइप का मतलब वो जो होता है ना थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी टाइप का ये लग चुका था इसमें, ये एकदम बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है। तो इंस्टॉलेशन के बाद एज पर फर्स्ट यूज़ इसका क्लीनिंग तो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा है। और आगे इसे इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है और आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और एक नए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग नए गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।